हाय एवरीबॉडी, आई एम बैक आफ्टर 6 मंथ्स। आई थिंक मैं तभी आता हूँ जब भी कॉस्टिंग का एग्जाम होता है या सीए फाइनल का एससीएमपी का एग्जाम होता है। लाइक ऑलवेज डिस्कस करने के लिए नहीं आया, वो तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से चेक कर ही लिया रहेगा। कंप्लीट सोल्यूशन आई ऑलवेज ट्राई टू बी ब्रिंगिंग, वो वाला काम मैं हमेशा करने का ट्राई करता हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू ऑल हैव द कंप्लीट सोल्यूशन। दो तरीके के लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिन लोगों का एग्जाम हुआ। ओके, यू ऑल कैन यूज दिस टू चेक योरसेल्फ। आई एम पर्पसली ट्राइंग टू पुट दिस वीडियो आफ्टर योर टैक्स पेपर, ताकि योर ग्रुप वन इज ओवर, सो देयरफॉर लाइक यू नो वन हाफ ऑफ योर एग्जामिनेशन आर ओवर। सेकेंड कैटेगरी, जिन लोगों का एग्जाम फ्यूचर के अंदर है इन द न्यू कोर्स, तो याद रखना एक चीज कि तुम्हारा जो पोर्शन है वो सेम ही है, एक्सेप्ट वन थिंग दैट हैज बीन डिलीटेड फॉर यू, एंड दैट इज नथिंग बट चैप्टर नंबर 9 का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला पार्ट। जॉब कॉस्टिंग तो अभी भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला पार्ट हैज बीन डिलीटेड। रेस्ट यू ऑल कैन बी यूजिंग दिस। नाउ दिस इज वन थिंग। सेकेंड फ्यू थिंग्स दैट आई हैव प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, I want to be bringing down cost of education for everybody, okay? And that is one thing जो मैं try कर रहा था तो बहुत time से I was not knowing how. तो finally we all have tried to crack it. So for November 2024 attempt, that is a new course, हम लोग अपना live batch 16 Jan से start करेंगे, only at an introductory price of ₹999. This is my way of trying to give back everything to the students. सो इंश्योर कि अगर आप लोग न्यू कोर्स के अंदर हैं, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो यू कैन बी एनरोलिंग फॉर दैट कोर्स। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, दैट इज वन थिंग। सेकंड, उसके अंदर आपको व्यूज वगैरह का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड व्यूज। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी हैविंग 1.2, 1.4 एंड देन यू ऑल ट्राई टू बी कॉन्टेक्टिंग अस। नो, द लिंक दैट इज देयर, इफ यू गो ओवर देयर, इफ यू एनरोल, automatically course will be starting whenever live lectures will happen. At that time you will get the notification also. Okay, everything that is possible we are trying to be doing from our side. Last 20 years ke andar aisa koi attempt nahi hota, when anything new comes in costing, whatever new can ever be coming, hum log ek saal pehle soch lete hain, that is there as part of our books. Okay, तो इट इज वेल रिसर्च कंटेंट, क्योंकि अपनी टीम के ना बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग के अंदर बेसिकली मैं ही हूं। ओके, तो हम लोग ट्राई करते हैं दैट एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इज डन बाय अस। सीए कोर्स आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल, शायद इन द फ्यूचर आई विल बी एबल टू डू मोर वंस द थिंग्स विल स्टार्ट टू पिक अप, दैट इज वन थिंग। सेकंड, सेम चीज हम लोग सीएस के लिए भी करेंगे, फिर ICWA के लिए ऑल्सो, बट देन इट टेक सम टाइम। इट इज वे ऑफ मी टू बी ट्राइंग टू गिव बैक टू द स्टूडेंट कम्युनिटी, एंड आई वॉन्ट दैट एटलीस्ट कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो फॉर विच यू आर नॉट पेइंग। सेकेंड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अबव 90 एवरीबडी विल बी गेटिंग। दिस इज वन पेपर, इफ यू लर्न इट इन अ लॉजिकल वे, नो तुमको 90, 95, 98 वगैरह तक आसानी से मिल जाता है। तो अगर कोई और सब्जेक्ट के अंदर वीक हो, ये सबसे कॉमन सेंस सब्जेक्ट है, तुमको प्रैक्टिकली भी हेल्प करता है। मतलब वन थिंग इज फॉर योर एग्जामिनेशन, बट सेकेंड थिंग इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। बिजनेस अगर फ्यूचर के ना वो करोगे, दिस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, मारवाड़ीज एंड गुजरातीज, दोज गाइज लाइक यू नो आर एक्सिलेंट इन बिजनेस, दिस थिंग विल हेल्प यू फर्दर। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन, ये वाला जो अपना वो एग्जाम था, ये कैसा था? लेट मी गिव इट थम्स अप टू द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ने शायद फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया, मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया। उन लोगों ने मॉड्यूल के अंदर जो भी क्वेश्चन थे उनको मरोड़ा, दो क्वेश्चंस को कंबाइन किया, और उन लोगों ने फिर उसके बाद ये वाला एग्जामिनेशन पेपर बनाया। ओके, गुड क्वेश्चन पेपर, शायद अपनी बुक्स के अंदर ये सब कुछ तो था, बट माइट बी यू विल हैव टू बी नोइंग एवरीथिंग इन अ कंसेप्चुअल वे। ओके, तो अगर उतना मालूम था देन थिंग्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मैं मेरी तरफ से ट्राई करने वाला हूं टू बी गिविंग यू एवरी सोल्यूशन। आई ऑलरेडी प्रिपेयर द PDF, इफ यू वॉन्ट द PDF सेंड अस योर नेम, फोन नंबर ऑन अ टेलीग्राम ID एंड वी विल गिव यू द सोल्यूशन। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जो आपका क्वेश्चन नंबर वन था, दैट वॉज देयर ऑफ नवंबर 2023। ज्यादातर वो मटीरियल कॉस्टिंग के ऊपर ही होता है, इस बार भी मटीरियल कॉस्टिंग के ऊपर ही था, तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमेशा की तरह कंपलसरी होता है, आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस यू हैव टू बी डूइंग एनी 4, एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इज ऑलवेज द थियोरेटिकल पेपर, इज ऑलवेज द थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अभी पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपको बहुत अजम्पशंस वगैरह की जरूरत पड़े, इट वॉज क्वाइट अ इजी पेपर। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो,
आई एम गोइंग टू बी गिविंग रेटिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन की लाइक यू नो ऑन अ टफनेस लेवल फ्रॉम 1 to 5 ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था ये किधर स्टैंड करता है. 1 इज द इजीएस्ट, 5 इज द टफेस्ट. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग दिस. फर्दर एक और चीज, न्यू कोर्स के अंदर एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल से, वो सब लोगों को वो मालूम है. तो मैं रोज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग. वहां पे मॉड्यूल के एमसीक्यूज तो होंगे लेकिन मार्केट के अंदर कोई न्यू एमसीक्यूज वगैरह वो नहीं है. सो आई हैव मेड लॉट ऑफ एमसीक्यूज. पहले मॉड्यूल वाले करेंगे, बीच बीच में वो मेरे वाले एमसीक्यूज भी करेंगे. सो देयरफॉर यू विल ऑलवेज हैव अ हैबिट, रोज एक एमसीक्यू आएगा. एंड सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल. हम लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर उतना कंटेंट नहीं डालते कि आप लोग पागल हो जाओ. ओनली द रेलिवेंट कंटेंट दैट इज देयर वी ट्राई टू बी पुटिंग इट. ओके, अपने को कोई शो ऑफ वगैरह नहीं करने का है कि अपने को ये भी मालूम है ये भी मालूम है. जितना तुम लोग को चाहिए दैट इज रेलिवेंट फॉर यू वी ऑल पुट इट. ठीक है, चलो बहुत बात कर ली, अभी स्टार्ट कर लेता हूं. आंसर द फॉलोइंग. एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट AM25 Using material CEE. The following information is available regarding the material CEE. Purchase price per unit. इसका सिंबल साथ साथ में वो लिख लेता हूं, CPU. Cost of placing an order. That is nothing but CA, ordering cost. Carrying cost per unit per annum is equal to 6% of purchase price. Purchase price मतलब 6% of CPU. 6% of 300. So therefore this will be rupees 18 per unit per annum. कंजम्पशन ऑफ मटीरियल सीईई पर एनम, ये पूरे साल का कंजम्पशन है. फर्दर लीड टाइम एवरेज 6 days है, मैक्सिमम 8 है, मिनिमम 4 days है. मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ सीईई पर डे इज 200 kgs मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे. ठीक है, आगे करना क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग. ईओक्यू रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. ठीक है, रेटिंग ऑफ 1 to 5, 5 इज द इजिएस्ट एंड 1 इज द इजिएस्ट, 5 इज द टफेस्ट वन. तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेटिंग देंगे 2. इट वॉज अ इजी क्वेश्चन. 2 भी 1 नहीं दिया क्योंकि ना ये वाले पार्ट के लिए आप लोगों को एक चीज कैलकुलेट वो पहले करनी पड़ती है, फिर ये वाला चीज कंप्यूट होता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. ईओक्यू, ईओक्यू के लिए बेटा क्या चाहिए, ए चाहिए. ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड इन 1 ईयर. ये जो है ये तेरा कंजम्पशन है, लेकिन तेरे को परचेजेस चाहिए, लेकिन सम के ना कोई स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो कंजम्पशन एंड परचेज विल बी सेम. सो देयरफॉर दिस विल बिकम ए आल्सो. आपके पास ए है, सी ए है, सी आई है. ईओक्यू का फॉर्मूला यूज कर लेना, स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA/CI, स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA/CI. तो आई थिंक तुम्हारा जो आंसर है वो यहां पर आ जाएगा. ठीक है, ये जो तुम्हारा सजेस्टेड है उसके फर्स्ट पेज पे आई हैव रिटन हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, कौन से चैप्टर के अंदर से था. फिर उसके बाद हमारा जो रेगुलर कोर्स है उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर वो किधर है, और इस PDF के अंदर सोल्यूशन किधर है. ठीक है, जब ये वाला जो वीडियो है YouTube पर आ जाएगा, यहां पे कोड होगा, इफ यू विल स्कैन दैट सो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियो दैट यू आर वॉचिंग राइट नाउ. ओके, फर्दर चलो अभी सी ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी बुक के अंदर, वो किधर है, अगेन आई मेंशन, ये ए हो गया, ये सी ए हो गया, ये सी आई हो गया. फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA/CI, तो 1800 आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट काम. सेकेंड काम पे चले, हर क्वेश्चन के बाद इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो मेरे को बताते रहना तुम्हारा ये वाला जो पार्ट था करेक्ट था कि नहीं था. ठीक है, दैट गिव्स यू लाइक यू नो अ गुड कॉन्फिडेंस कि सर चलो मेरा इतना तो करेक्ट है फॉर श्योर. एंड योर प्रेजेंटेशन एंड माई प्रेजेंटेशन कैन बी बिट डिफरेंट. ओके, सो डोंट बॉदर मच. रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. बेटा यहां पे लीड टाइम डेज कहना था तो अपने को कंजम्पशन भी पर डे ही निकालना चाहिए. तो मैंने यहां पर कंजम्पशन पर डे पहले निकालने का ट्राई किया. तो सबसे पहले देखो पूरे साल के ना इतना यूनिट्स कंज्यूम होगा, सबने लास्ट टाइम पे बोला टेक 360 डेज इन अ ईयर, तो एवरेज कंजम्पशन पर डे कितना आ जाएगा, 540. मैक्सिमम सबने बोला हुआ था कि 200 यूनिट ज्यादा है, यहां पे मेरे ख्याल से चेक कर सकते हो. मैक्सिमम कंजम्पशन इज 200 kgs मोर देन एवरेज कंजम्पशन. तो मेरे ख्याल से अपना जो काम है वो हो जाएगा इसी से. तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 740 यूनिट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम लीड टाइम जो था बेटा वो क्वेश्चन के अंदर था ना इधर, कितना डेज यार, 8 days, बस बात खत्म हो गई. सो 740 × 8 days मैंने यहां पे रीऑर्डर लेवल ये वाले फंडा से कंप्यूट कर दिया. ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन
production into maximum lead time is equal to 740 into 8 is equal to 5920 units. वैसे complete formula होता है maximum consumption into maximum lead time plus buffer stock. लेकिन यहाँ पे buffer stock नहीं है तो छोड़ देते हैं. ठीक है, आगे. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल. वो कैसे कंप्यूट होता है? यू वांट हाईएस्ट पॉसिबल स्टॉक, तो यू ऑर्डर एट आरओएल. उसके बाद अगर तुमको सबसे ज्यादा स्टॉक चाहिए तो सोचो कि कंजम्पशन सबसे कम होगा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, और प्लस उस दिन पर नया वाला स्टॉक भी आ जाएगा. आप लोगों ने कितना यूनिट्स ऑर्डर किया था बेटा? 1800. ठीक है, सो देयरफॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू आरओएल, आरओएल तो है अपने पास, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. अगर क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो मिनिमम कंजम्पशन है तुम्हारे पास 4 डेज, लेकिन मिनिमम लीड टाइम है अपने पास 4 डेज, लेकिन अपने को मिनिमम कंजम्पशन तो कंप्यूट करना पड़ेगा. मैंने वो वाला चीज देखो यहां पर कैसे कंप्यूट किया. अगर कुछ नहीं बोला, एवरेज कंजम्पशन विल बी इन मिडल ऑफ मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन. अपने पास मिनिमम कंजम्पशन नहीं है, ये अपने पास है 540, ये अपने पास है वो 740, तो इस फिगर को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल लेना. वो कितना यूनिट्स आ जाएगा? 340. ठीक है, बस उसके बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो. ROL जो ये वाला फिगर है माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. बेटा मिनिमम लीड टाइम तो यहां पे दिया हुआ है 4 डेज का. ठीक है, प्लस द क्वांटिटी इन दिस केस दैट यू ऑल ऑर्डर, क्वांटिटी दैट यू ऑल ऑर्डर इज कितना यूनिट्स? 1800. तो तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा. ठीक है, इससे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑल टुगेदर डन. ओके, बताना कि एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हुआ कि नहीं. सो देयरफॉर यू हैव स्टार्टेड ऑल द थिंग्स ऑन अ गुड नोट. ओके, चलिए दिस पार्ट इज ऑल ओवर. उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू जो तुम्हारा था, दिस वॉज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी था, सॉरी, दिस वॉज ऑन लेबर कॉस्टिंग. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन नंबर 1B, अ वर्कर टुक 60 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब इन अ फैक्ट्री. बेटा दिस इज टाइम टेकन, इतना आवर्स उसने लिया. द नॉर्मल रेट इज 80 रुपीज पर, नॉर्मल रेट बोले तो बेसिक वेज रेट, सो देयरफॉर दिस इज बेसिक वेज रेट इन दिस केस. ठीक है, द वर्कर इज एंटाइटल टू बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्से प्रीमियम प्लान. ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट 60 per man hour एक्चुअली वर्क्ड. 60 per man hour वर्कर टुक, हाउ मेनी आवर्स यार? 60. सो देयरफॉर 3600 का फैक्ट्री ओवरहेड्स. द फैक्ट्री कॉस्ट ऑन द जॉब इज 37280. ठीक है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट था. याद करो जरा कॉस्ट शीट. फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर बेटा कौन कौन से कॉस्ट आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ तो चलो वो भी आ जाएगा. और मटेरियल कॉस्ट कितना था? 28400. ठीक है, आपको करना क्या है? अगर सोचोगे, टाइम टेकन तो दिया हुआ था, सब कुछ दे के रखा हुआ है. एक चीज जो नहीं देखी, नहीं अपने को दिया हुआ, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम बोले तो टाइम अलाउड. सो व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब एंड इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान. ठीक है, तो आप हेल्से के अंदर इफेक्टिव आर्ली रेट निकालना और टाइम अलाउड निकाल देना. तो चलो ठीक है, देखो मैंने सोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसा किया है. बेसिक वेज रेट क्वेश्चन के अंदर 80 per hour देके रखा हुआ है यहां पर. ठीक है, दिस इज बेसिक वेज रेट. ठीक है, मैं बस वो डेटा इकट्ठा कर रहा हूं. अपने को टाइम अलाउड निकालने का है. टाइम अलाउड बोले तो स्टैंडर्ड टाइम बेटा, और क्या? ठीक है, दैट इज एक्स. सो टाइम स्टैंडर्ड टाइम बोले तो टाइम अलाउड ही होता है. लेस टाइम टेकन. टाइम टेकन बेटा कितने आवर्स का है? 60 आवर्स का है. ठीक है, तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 60 विल बी आवर सेव्ड. ठीक है, बेसिक वेजेस हमेशा हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं? कितने आवर्स काम किया इंटू बेसिक वेज रेट. सो 60 आवर्स इंटू 80, तो ये कितना आ जाएगा? 4800. करंटली हेल्से प्लान के हिसाब से अपने को डेटा दिया हुआ है बेटा. हेल्से प्लान के हिसाब से तो बोनस दिया हुआ है, तो सॉरी अपने को वो डेटा दिया हुआ है. हेल्से प्लान के हिसाब से बोनस कैसे कंप्यूट होता है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर. 50% ऑफ टाइम सेव बोले तो एक्स माइनस 60 इंटू रेट पर आर, दैट इज कितना रुपीज पर आर? 80. सो 50% ऑफ एक्स माइनस 60 इंटू 80, तो 50% ऑफ 80 कितना हो जाता है? 40. 40 बाहर वो रह जाएगा, आप लोग ब्रैकेट खोल लेना. सो देयरफॉर 40x minus 2400. ठीक है, तो ये हो गया बोनस, ये हो गया बेसिक वेजेस. ऐड करके क्या मिल जाएगा बेटा? टोटल वेजेस इज बेसिक वेजेस 4800 प्लस यहां पर बोनस. बेटा बोनस जो यहां पे है वो इधर कंप्यूट किया. सो दिस प्लस दिस, तो
इसको और इसको कैंसिल करेंगे 2400 प्लस 40x, ठीक है। अभी फैक्ट्री कॉस्ट अपने पास था ना, फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर वो देख लेना 37280, ये कैसे कंप्यूट किया रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैंने वही वाला चीज यहां पे लिखा, टोटल वेजेस सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर बेटा डायरेक्ट लेबर जो है मैंने इधर तो निकाला ना यार, एक सेकेंड ना, ये तुम्हारा डायरेक्ट लेबर, यही वाला चीज मैंने यहां पर भी लिखा है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद प्लस योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है इट इज 60 पर आवर इनटू 60 आवर्स नो, तो अगर आप लोग वर्कआउट करोगे फॉर एक्स, एक्स का आंसर 72 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, एक बार 72 आवर्स आ जाएगा। देख लेते हैं पार्ट ए के अंदर क्या पूछा था बेटा, पार्ट ए के अंदर क्या पूछा था, इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान, ठीक है, इफेक्टिव आर्ली रेट ना, तो चलो ठीक है, इफेक्टिव आर्ली रेट के लिए टोटल वेजेस पहले निकालना पड़ेगा, टोटल वेजेस अंडर हेल्से, टोटल वेजेस देखो हम लोगों ने यहां पे इक्वेशन टाइप था 2400 प्लस 4x, इसके अंदर बेसिक वेजेस भी आ जाता है, बोनस भी आ जाता है, ये वर्कआउट करेंगे तो कितना आ जाता है 5280, ठीक है 5280, और इफेक्टिव आर्ली रेट हमेशा कैसे निकालते हैं, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो आंसर आ जाएगा 88 पर आवर, सो देयरफॉर दिस शुड बी योर आंसर अंडर पार्ट वन। उसके बाद देखो पार्ट टू के अंदर क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इफेक्टिव आर्ली रेट पर आवर इफ द वेजेस वुड हैव बीन पेड अंडर द रोमन स्कीम, तो चलो ठीक है, रोमन स्कीम के अंदर बेसिक वेजेस तो 82 ही है, टाइम अलाउड तो अभी भी 72 आवर्स है, टाइम टेकन अभी भी 60 आवर्स है, टाइम सेव जो है वो 12 आवर्स ही रहेगा, बेसिक वेजेस अभी भी 4800 ही रहेगा, लेकिन बोनस कैसे कंप्यूट होता है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस, 12 डिवाइडेड बाय 72 इनटू 4800, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 800, तो ये बेसिक वेजेस ये बोनस दोनों को एड अप किया तो टोटल वेजेस आ गया, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दिस विल गिव यू इफेक्टिव अर्ली रेट, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था under for the question 2 over here, ठीक है, so this thing is all over with that, इस question को जो rating है I will give that rating in this case of 2 मेरे हिसाब से, it was not that tough but then you got to be having patience to find out the missing figure, इसको भी rating of 2 ही देते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए this particular thing is all over, अभी question number 3 कर लेते हैं, ठीक है, question number 3, third question now, XYZ Limited manufactures three joint products ABC from a joint process. Product B sold at split off point, whereas A and C are sold after the processing. Okay. 10% of the quantity of product A is lost in further processing. Due to this, I'm already giving the rating of this question as 3 because most of the mistakes would have been done in reference to this. Data regarding these products for the year ended 31st of March 2023 are as follows. For A, number of units, just a sec, I'll read this line. 10% of quantity of product A is lost in further processing, not during the manufacture, during further processing, okay. Then, number of units produced and sold 3,60,000. Now, this 3,60,000 would have been after deducting 10%. So, therefore, this figure must be 90%. So, gross production in this case must be how much beta? 4 lakhs. Okay. Means quantity at split off point beta. Quantity at split off point would have been 4 lakh units. But ultimately, you further process A. So, 10% is lost. So, how much is left with you? 3,60,000 that ultimately you sell. Selling price at split off point. It is not given for A. It will be given further. For B, it is sold at split off point only. C story, same as A, but there is no loss during the processing. Selling price per unit after further processing, 9.5 and 12. Further processing cost, 8,60,000, 10,40,000. The joint cost up to the split off point at which A and B and C become separable is 57,20,000. Prepare a statement showing apportionment of joint cost to the products using net realizable value method. Beta, net realizable value method is also called as notional sales value method. Notional sales value method calculate kaise hota hai? Final sales value minus post separation cost. So final sales value will be this figure into this figure, not 4 lakhs into 9.51, 3,60,000, because that is whatever you can finally sell. This into this, for C it will be this into this, that will give you final sales value minus post separation cost,
एंड फॉर बी इट विल बी दिस ओनली. फॉर बी इन एनी केस देयर इज नो चांस ऑफ प्रोसेसिंग इट फर्दर. नो सो सेल्स वैल्यू एंड नोशनल सेल्स वैल्यू विल बी सेम ओनली. सो दैट इज वॉट एवर आई हैव डन इन द सोल्यूशन ऑल्सो. सो लेट मी गो थ्रू द सोल्यूशन इन दिस केस. वन सी अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन दिस केस प्रोडक्ट्स ए बी सी ओके 3,16,000 into 9.5, 2,10,000 into 6, 4,50,000 into 12. Final sales value, this, this and this, okay. Minus post-separation cost. Post-separation cost is given for A and C. That will give you NRV for these, okay. Once you all do that, this will give you joint cost. Joint cost, sorry, once you all do this, that will give you this total. And joint cost has to be apportioned in this ratio. So, these are the three answers that you should have got as such, okay. That is your part A of the question. How will things be divided? Okay, further. Further, in this case, you have the other part. Your other part is what, beta? Your other part is, assume XYZ has received an offer from D Limited to purchase product A at the split off point of rupees 7 per unit. And another company, PQR, has offered to purchase product C at split off point at rupees 9. Advise whether these offers should be accepted or not. Now see, you have an option to sell A at split off point only, 7 per unit. Do remember, if you will sell A at split off point, no, you will not sell 3,60,000 units, sir. You will sell 4 lakh units. That is whatever is the catch in the question. Due to that only, main usko jo rating hai, wo 3 diya hai. And for C, it can be sold at the rate of rupees 9. Aisa offer accept karne ka ki nahi karne ka. It's very simple, beta. Whenever you have to be deciding, these are called as depth of processing statements. So, depth of processing ke na hum log kya kar lete hain? Process karke bechoge, to kitna kamaoge? Final sales value of A and C. That is 3,16,000 to 9.5, 4,15,000 to 12. Ye dala, ye wala jo data tha, ye to pehle bhi tha. Less sales value at split off point. This is important. 4 lakh units into 7. Agar aap split off point pe bechoge to 4,50,000 into 9. 4,50,000 is okay. Subtract karega. This is the extra revenue. Lekin wo kamane ke liye you will have to incur this extra cost. No, beta. This extra cost in this case is this and this. Less extra cost. Okay. This will give you extra profit and loss. Yahan pe extra loss hai. To A wala offer nahi accept karna chahiye. Usko split off point ke upar. उसको आगे प्रोसेस नहीं करना चाहिए, तो उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर बेच देना चाहिए. लेकिन सी को जब हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो देयर इज प्रॉफिट. ठीक है, तो ए वाला ऑफर आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ए को जब हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो लॉस है, तो फिर ए को अपने को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देना चाहिए. और सी के लिए जब हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट है. ये वाले ऑफर्स क्या थे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच दो. अगर फर्दर प्रोसेस किया तो लॉस है बेटा, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच दो. तो इसके लिए ऑफर यहां पर क्या हो जाना चाहिए? एक्सेप्ट. और इसके लिए यहां पर ऑफर जो है रिजेक्ट होना चाहिए विद दीज नंबर्स. ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला आंसर होना चाहिए था. ठीक है, चलो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. अभी आगे चल पड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला जो क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है. इसके अंदर वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन वी हैड टू बी डूइंग. बस बाकी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. यूनिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/8/2002. दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 96 लाख. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम देयर कॉस्टिंग रिकॉर्ड एज ऑन 31st March 2023. ये वाला डेटा बेटा 8 months का होगा. ठीक है, अच्छा मैं एडवांस के नहीं बोल रहा हूं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था. ठीक है, वही वाला काम करने का था. मटेरियल्स कंज्यूम, डायरेक्टली मटेरियल्स कंज्यूम्ड ही दे दिया, तो अभी वो लोग मटेरियल्स एट साइट भी नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो सब्ट्रैक्ट करके दोस गए सब गिवन. ये डेबिट साइड पे आ जाएगा. वेजेस पेड, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा. वेजेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2023, ये पिछले नंबर को एड हो जाएगा. ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस तो बेटा एड होता है ना, तो एड करके दिखा देना. प्लांट इशूड टू साइट एज ऑन 1/8/2022. प्लांट के ऊपर हम लोग तो अकाउंटिंग ऐसे ही करते हैं कि अल्टीमेटली वी ओनली चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स द प्लांट वॉज देयर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. फर्दर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ जाएगा. जनरल ओवरहेड्स डेबिट साइड पे आ जाएगा. ठीक है, मैं एक बार बस देख लेता हूं. जो चीजें मैंने बोला है वो ऑलरेडी अपने अकाउंट के अंदर मटेरियल्स कंज्यूम डाल दिया, वेजेस पेड डाल दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी डाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डाल दिया, और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जनरल ओवरहेड्स था, दैट ऑल्सो वी ऑल हैव पुट ओवर हियर. ठीक है, वो वाला भी जो काम है ये हो गया. ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा. अ सुपरवाइजर हु इज पेड 18,000 पर मंथ हैड स्पेंट 40% ऑफ हिज टाइम फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो 18,000 पर मंथ
उसको 8 महीने के लिए कितना पैसा देगा, 1,44,000, और उसने 40% टाइम स्पेंड किया तो 57,600 की मैंने एक और एंट्री इधर मारी होगी, तो सुपरवाइजर का ये वाला चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट कॉस्टिंग 60,000 रुपीज वॉज ट्रांसफर टू दी अदर कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31/12/2022, ठीक है। तो देख कितने का प्लांट आया था बेटा, 7,50,000, उसको दो हिस्सों के ना वो डिवाइड कर देता हूं, एक 60,000 रुपीज का जो प्लांट था, तो बाकी जो यहां पे बच गया तो 7,50,000 - 60,000 तो कितना आ जाएगा, 5,90,000। 5,90,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है सारे के सारे 8 months के ऊपर आएगा, लेकिन ये जो 60,000 रुपीज का प्लांट था दिस वॉज ट्रांसफर्ड ऑन 31/12, तो मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहां पे 5 months जितना जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो यहां पे 5 months, वहां पर 8 months, देख लेना मैंने जो डेप्रिसिएशन है मेरे ख्याल से वैसे ही कंप्यूट किया रहेगा, 8 months, एक मिनट, ये 6,90,000 के ऊपर 8 months का डेप्रिसिएशन, और उसके बाद 60,000 जो है उसके ऊपर 5 months का, 5 months कैसे आया बेटा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तो ये वाला जो चीज है वो आ जाएगा, तो 69,000 एक आ गया, ये 8 months का डेप्रिसिएशन और यहाँ पे 5 months का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आगे दिया हुआ था वो क्वेश्चन के ना, प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड 15% पर एनम ऑन SLM बेसिस, ठीक है। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन था ना 72,250, मैंने ये वाला डेप्रिसिएशन यहां पर डाल दिया था, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन के अंदर क्या था वो तो पढ़ा ही नहीं, नाउ ये लाइन की वजह से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑन 31st of March 2023 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, तो 60% कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दिस मच वॉज डन, बट द आर्किटेक्ट इश्यू द सर्टिफिकेट्स कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 50% सर्टिफाई हो गया, ठीक है। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो नोशनल प्रॉफिट और लॉस एज ऑन 31/3/2023, ठीक है, तो आपको नोशनल प्रॉफिट या लॉस वगैरह वो दिखाने का है, तो देखो डेबिट साइड का ला जो भी आइटम से ना आई हैव कंप्लीटेड दैट थिंग फॉर यू, अभी क्रेडिट साइड पे जरा देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस ही है, अपने को वर्क सर्टिफाइड चाहिए, वर्क अनसर्टिफाइड चाहिए, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जरा देखना क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पर ही था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था वो यहां पे कितने लाख का था, 96 लाख, और वो लोगों ने क्या बोला, आर्किटेक्ट ने ना सर्टिफिकेट दे दिए कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 96 लाख * 50% कितना आ जाएगा, 48 लाख, तो मेरे सॉल्यूशन के अंदर 48 लाख आई हैव रिटन, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड अपने को चाहिए रहेगा, वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो आप लोग जितना भी काम इनकम्प्लीटेड था बेटा उसका कॉस्ट तो निकाल, ठीक है। तो उसके लिए दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव डन, इनफैक्ट फार इजियर, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वर्क डन निकाल लेना, अभी तक अपना कितना खर्चा हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस इन दिस पीरियड, डेबिट साइड में ना बेटा ये जो भी तेरे खर्चे थे ये सबका तू टोटल मार लेगा ना, ये सबका तू टोटल वो मार लेगा तो वो इतना नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट है 100 है, अभी तक कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है, 60, ठीक है, 60 के अंदर से 50% जो है सर्टिफाई हो चुका है, तो यहां पे काम जो अनसर्टिफाइड है वो कितना होएगा बेटा, 10%, ठीक है। बस ये जो 10% है इन दिस पर्टिकुलर केस, कॉस्ट ऑफ वर्क डन रिप्रेजेंट्स कितना परसेंट बेटा, 60%, ठीक है। ये जो ये वाला फिगर है दिस रिप्रेजेंट्स कितना परसेंट, 60%, इसके अंदर से इन दिस केस जो 10% है ना वो वाला हिस्सा वो कितना होएगा, 51,66,000 इज द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग 60% वर्क, बट आउट ऑफ 60% 10% इन दिस केस इज वर्क अनसर्टिफाइड, ओके, सो देयरफॉर उसका कॉस्ट कितना होगा। नाउ बच्चे लोगों ने यहां पर क्या गलती किया रहेगा, उन लोगों ने वर्क अनसर्टिफाइड को ना यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर ही ले लिया रहेगा, दैट इज 96 लाख * 10%, अगर ऐसा किया तो टोटली गलत है, तुम्हारा आंसर 9,60,000 वो आ रहेगा, विच इज टोटली रॉन्ग एज सच, ओके। वंस यू ऑल डू दैट तुम लोग को यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट जो है 4,95,000 का मिल जाना चाहिए था, ठीक है, फॉर दिस वर्क अनसर्टिफाइड वाला एडजस्टमेंट, एंड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इन दिस केस अपना जो प्लांट वाला था, I give this rating as 4-star question. Okay, not a difficult question, but you have to be careful about these particular things. ठीक है, तो this must have been your profit as such. ठीक है, चलिए ये हो गया तुम्हारा entirely question number 1. तो मैंने question number 1 जो है I have completely done with all the supporting notes up and so on. Okay, चलिए तो question number 2 start करते हैं. Question number 1 हमेशा ICAI try करता है कि थोड़ा सा मुश्किल रखे
ताकि लाइक यू नो देर आर टेंशन. तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर वन कभी देखते भी नहीं है, वो लोग एंड पर ही आते हैं, लेकिन मर्जी तुम्हारी है. चलो ठीक है, चलो तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A के साथ. नाउ दिस क्वेश्चन दैट वॉज देयर ऑन कॉस्ट शीट. तो अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आता है, कंप्लीट वाला फॉर्मेट, ओके, तो आई विल गिव इट रेटिंग इन दिस केस ऑफ 3. अगर आपको रेटिंग, अगर आपको उसका जो फॉर्मेट है अच्छी तरीके से नहीं आता, आई गिव इट रेटिंग ऑफ 5. ठीक है, लेकिन नंदलेस इसके अंदर एक एडजस्टमेंट था जो मेरे को बहुत अच्छा लग गया, दैट वाज दिस एडजस्टमेंट. ओके, क्योंकि आईसी ने ना ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये वाला जो चीज है, अपने फॉर्मेट के अंदर भी वो किधर नहीं दिया. इफ यू हैव लर्नड कॉस्ट शीट हाउ वी हैव डन, कि हर एक चीज कॉस्ट शीट में किधर किधर आती है, क्यों आती है, ठीक है, तो देन दिस वुड हैव बीन वेरी सिंपल. फिर आप लोग का जो आंसर है करेक्ट हो ही गया रहेगा. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. यहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, तो यहां पे ना आई विल कीप ऑन राइटिंग कि हर एक चीज जो है वो किधर आएगा, ताकि देन इन दैट केस यू ऑल कैन ट्राई टू बी टेकिंग केयर. द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट BXC फॉर द ईयर एंडेड दिस मंथ. ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1st of April 2022, ऑल ऑफ देम आर ओपनिंग स्टॉक, सो देयरफॉर इन योर कॉशी दे विल बी कमिंग एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस. ठीक है, मटीरियल्स परचेस्ड, ये तो डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन के अंदर ही आ जाएगा. फ्रेट परचेस्ड, ये तो डायरेक्ट मटेरियल परचेस के साथ ही एड अप वो हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस ही होता है. पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है. कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है. ट्रेड डिस्काउंट वॉज एन अदर एडजस्टमेंट, ओके, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों ने इसके अंदर अजम्पशन मारा, ये वो वगैरह सब फालतू काम किया. बेटा ट्रेड डिस्काउंट आता ही नहीं किधर भी. ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियसली इज अ ट्रेड डिस्काउंट दैट वी हैव अलाउड, वी हैव अलाउड. तो वो सेल्स के अंदर से कम होकर हम लोग नेट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई एंट्री भी नहीं होता. सो देयरफॉर इस क्वेश्चन के नहीं तो सेल्स भी नहीं दिया. ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट शीट वैसे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स की बनाने वाले हैं, लेकिन अगर सेल्स होता उस सेल्स के से 450 रिकॉर्ड लेस करके तो नेट सेल्स ही रिकॉर्ड कर दे. आगे इंश्योरेंस ऑन रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है. अपना फॉर्मेट बराबर से वो देखना, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP. रेंट ऑफ द फैक्ट्री 1/5 इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस. ठीक है, तो 1/5 इज यूज फॉर ऑफिस पर्पस, तो एडमिन के अंदर आ जाएगा 1,40,000. बाकी जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग है ना बेटा, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो 4/5 जो है वो उधर आ जाएगा, दैट इज 5,60,000. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा. डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, वी डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आएगा. कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, बेटा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये तुम्हारे फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे अलग से एक आइटम आता है. सो देयरफॉर आई विल बी स्लाइटली क्लियरर ओवर हियर, एक सेकेंड ना. सो देयरफॉर दिस इज बिलो फैक्ट्री कॉस्ट, दिस इज बिलो फैक्ट्री कॉस्ट बट अबव COP, बिकॉज दिस फिगर क्वालिटी कंट्रोल विल बी डन वंस अ प्रोडक्ट इज मेड, सो देयरफॉर इट शुड ओनली बी चार्ज टू द फिनिश गुड्स, इसलिए ये वाला चीज यहां पर आता है. अच्छा, प्राइमरी पैकिंग एग्जैक्टली सेम, बिलो फैक्ट्री कॉस्ट बट अबव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि प्राइमरी पैकिंग, एग्जाम्पल तुम लोग जैम बनाते हो, जैम को बॉटल के अंदर कभी डालोगे, जब भी जैम बन जाएगा. सो देयरफॉर जैम जब भी फिनिश गुड्स बन जाएगा तभी उसका पैकिंग करेंगे ना. सो देयरफॉर इट इज कमिंग बिलो WIP, मतलब बिलो फैक्ट्री कॉस्ट, ओके, बट अबव योर COP. सो सेम थिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये 1,40,000 के अलावा ये जनरल एडमिन और है, ये तो जनरल एडमिन के अंदर ही आ जाएगा. जनरल एडमिन COGS के नीचे आता है. सैलरी पे टू मार्केटिंग स्टाफ, तो ये S&D का पार्ट हो जाएगा. पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यू आर पैकिंग द कंटेनर्स ताकि दे कैन बी नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये तुम्हारा पैकिंग कंटेनर्स वगैरह जो मैंने एग्जांपल्स वो दिए हो, ये वो वाली चीज है. ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक दीज आर ऑल द क्लोजिंग स्टॉक्स एज ऑन 31st of March 2023, कॉस्ट शीट में ही अपनी जगह पर ही आएंगे. अच्छा, फर्दर सम ऑफ द फिनिश गुड्स वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, सम ऑफ द फिनिश गुड्स वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो गुड्स बनाने के बाद डिफेक्टिव हुए, तो WIP डिफेक्टिव नहीं हुए, फिनिश गुड्स डिफेक्टिव थे. एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड बाय इंक्रीइंग एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 33,600. ये 33,600 सिर्फ फिनिश गुड्स को ही चार्ज होना चाहिए, तो ये WIP के नीचे आएगा.
ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन करके डालोगे तो भी चलेगा। जब ही क्वालिटी कंट्रोल किया तभी पता चला कि ये गुड्स आर डिफेक्टिव, उसके ऊपर इतना खर्चा हुआ। सो देयरफॉर ये वाला चीज फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आना चाहिए और सीओपी के ऊपर। तुमको अगर इसको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर डालने का है तो उधर भी डाल सकते हो, अलग से लिखने का है तो इन एनी केस तुम्हारा आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज नॉट इंक्लूड इन द डिटेल्स मेंशन अबव, एन अमाउंट ऑफ 12600 वाज रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप एंड द वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग द ईयर। आईसीए ने ऐसा बोला हुआ है कि सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे से लेस कर देना। थोड़ा सा वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, आई हैव टोल्ड यू ऑल इन पास्ट आल्सो। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2023 शोइंग द फॉलोइंग। कॉस्ट शीट का बराबर फॉर्मेट बनाओगे तो ये सब कुछ तुमको दिखाई दे ही जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने तो बराबर फॉर्मेट ही बनाया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेजेस एड फ्रेट लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर दो चीजें थी तो ये आ गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर से सॉरी रेंट ऑफ द फैक्ट्री के अंदर से 450 आएगा, बाकी जो है वो एडमिन में चला जाएगा। एड अप करो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये तुम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। एक तो वहां पे वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट थे वो शुरू में, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ फिनिश गुड्स जो मैंने अभी अभी बोला, दिस वॉज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, मेरे ख्याल से जहां पर मैंने 3 या 5 star रेटिंग दिया है दैट इज फॉर दिस ओनली एज सच। ओके, ये करेक्ट होता तो मेरे ख्याल से आगे इतना दिक्कत नहीं आता। उसके बाद लेस क्रेडिट फॉर स्क्रैप, जो एंड के अंदर अपना एक चीज वो दिया हुआ था। उसके बाद एड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, वो जो जैम का बॉटल्स वगैरह वो सब कुछ जो है वो इधर आ जाएगा। वंस दैट थिंग इज डन तो सीओपी यू ऑल विल गेट, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑफिस का रेंटल है 1/5 अपने को यहां पर चार्ज करने का था, जो अदर्स है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था अपने को। वंस यू ऑल डू दैट, उसके बाद SND के ये वाले खर्चे, एक सैलरीज दिया हुआ था, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, और एक वो जो कार्टन वगैरह का कॉस्ट, वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो वाला कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा इतना आना चाहिए था। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर नोट लिखना कंपल्सरी है, नहीं लिखा वो लोग मार्क्स काटेगा। कमेंट के अंदर बोलना कि तुम लोगों ने नोट लिखा कि नहीं लिखा, मेरे ख्याल से नहीं लिखा रहेगा, या फिर ट्रेड डिस्काउंट किसी ने तो कोई एक्सपेंस के अंदर भी डाला होगा, वो गलत हो जाएगा। कितना मार्क्स डिडक्ट होगा वो नहीं मालूम, लेकिन गलत होएगा। ट्रेड डिस्काउंट इज अज्यूम टू बी ट्रेड डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर्स, ऑफकोर्स दिस इज रिड्यूस फ्रॉम सेल्स अमाउंट विच इज नॉट देयर ओनली इन द प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सारा का सारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B, ये बजटरी कंट्रोल के ऊपर था। दिस क्वेश्चन इज इजी बट जस्ट फॉर द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन आई गिव इट रेटिंग ऑफ 4, क्योंकि इसके अंदर टाइम लगता तुम लोगों को। आई हैड स्पोकन टू वन गर्ल यस्टरडे, ईशानी, शी टोल्ड मी सर सब कुछ जो है वो अपनी बुक के अंदर से आया था, दिस क्वेश्चन आई हैड लेफ्ट फॉर एंड, लेकिन सर टाइम नहीं मिला तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो छूट गया। आई टोल्ड दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन, बोलती सर लेकिन ना यहाँ पे आपको फॉर्मैट्स वगैरह वो सोचने पड़ते हैं कि काम कैसे होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 2B, HL लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 4 वराइटीज ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, द पास्ट डेटा शोज डिफरेंट डिमांड एलिमेंट्स फॉर वेरियस क्वार्टर्स ड्यूरिंग द ईयर, द सेल्स क्वांटिटी एंड द सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर आर एस फॉलोस। सेल्स क्वांटिटी, तो इस सितंबर 2023 के अंदर चारों प्रोडक्ट्स का इतना 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 यूनिट्स बेचा, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, और इस प्राइस के ऊपर बेचा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना आंसर भी अभी अभी वो बोल देता हूं। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना, मैंने टाइम पास के लिए यहां पे वो लिखा हुआ है 2023 के अंदर कितना कितना यूनिट्स बेचा, ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी अभी आप लोगों ने देखा इधर 1,40,000, 3,40,000, 4,20,000 और उसके बाद 2,70,000। ठीक है, इंटू 20, 40, 20, 20, ठीक है, वो वाला चीज मैंने इधर वो लिख दिया। ठीक है, अभी उसके बाद देखो आगे जो अपना क्वेश्चन है ना वो यहां पर क्या बोलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द क्वार्टर अक्टूबर से लेकर 31st December, जिसके लिए आपको बजट्स प्रिपेयर करने, इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस डिमांड फॉर हॉट कॉफी वुड इंक्रीज एवरी मंथ बाय 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ। ठीक है, इधर हॉल्ट कर देता हूं। वो लोग क्या बोलते हैं, हॉट कॉफी का डिमांड हर मंथ 50% बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया रहेगा, 1,40,000 था 50% बढ़ा दिया, 2,10,000 था 50% बढ़ा दिया, 3,15,000 था 50% बढ़ा दिया हर मंथ के अंदर। ठीक है,
तो ये वाला फिगर्स यहां से आया है, ठीक है। अभी आगे कोल्ड कॉफी के बारे में देखो, बोलो क्या बोलता है। डिमांड फॉर कोल्ड कॉफी एवरी मंथ विल डिक्रीज बाय 30% ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो देखो मैंने क्या किया, ये कोल्ड कॉफी का डिमांड है सितंबर का, 30% कम कर दिया ये आ गया, इसका 30% कम कर दिया ये आ गया, 166,600 का 30% कम कर दिया, तो ये वाला चीज आ गया, बस दिस थिंग इज ऑल्सो डन, ठीक है। फर्दर द डिमांड फॉर फ्रूट जूस वुड डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड देयर आफ्टर इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसे हुआ, इसका 20% इधर कम हो गया, ठीक है, तो वो चीज मैंने वो कर दिया और उसके बाद वो कॉन्स्टेंट ही रहा, तो इसलिए उसके बाद उतना ही रहा, ठीक है। आगे जो है, HL Limited would be able to sell 60, 50 and 30,000 units of carbonated soft drinks during the month of October, November and December. तो इसका तो ना आप लोगों को देकर ही रखा हुआ है बेटा, 60, 50 और उसके बाद यहां पर क्या देके रखा हुआ है 30, तो काम खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे this work is done. There will be no change in the selling price for all the products during the next quarter. तो next quarter के अंदर selling prices जो है बेटा वही रहने वाले हैं। तो देखो September के अंदर these were the selling prices, तो वही वाले selling price मैंने हर एक जगह पर लिए, ठीक है। So this thing is all over, ठीक है। ये वाला जो काम है तुम्हारा हो गया, उसके बाद फिर देखो जरा question के ना और क्या दिया हुआ था बेटा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड सेप्टेंबर टू दिसंबर 2023 इज एज फॉलोज। सो दीज आर द क्लोजिंग स्टॉक, सेप्टेंबर के अंदर इतना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट ओके एंड सेल्स बजट इन यूनिट्स एंड वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। देखो सेल्स बजट तो बना लिया, अपने को सेल्स ही चाहिए था, दैट थिंग इज ऑल ओवर, ठीक है। अगर आप लोग चाहो सेल्स को एडअप करके टोटल सेल्स वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। अभी प्रोडक्शन बजट चाहिए, प्रोडक्शन बजट चाहिए मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालो। क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे मिलता है बेटा, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक्स। तो अब जरा सोचो तुम्हारे पास ऑलरेडी यहां पर क्वांटिटी सोल्ड है बेटा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्वांटिटी सोल्ड फॉर अक्टूबर, क्वांटिटी सोल्ड फॉर नवंबर, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड फॉर दिसंबर। तो मैंने यही वाली जो चीजें हैं ना यहां पे एक बार कॉपी पेस्ट किया, दिस इज अक्टूबर, दिस इज नवंबर एंड दिस इज दिसंबर, ठीक है, ये वाला काम किया। उसके बाद स्टॉक्स तो क्वेश्चन के अंदर ही है अपने पास, तो देखो जरा अक्टूबर के लिए क्लोजिंग स्टॉक्स हैं और सेप्टेंबर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग स्टॉक फॉर अक्टूबर, सेम वे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नवंबर एंड दिस विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ नवंबर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ नवंबर मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। एंड अगेन द सेम थिंग ओवर हियर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर एंड दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नवंबर। एक बार ये वाला काम कर लेगा तो मेरे ख्याल से यहां पे अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मिल जाता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वी ऑल हैव गॉट फॉर ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, ओके, दिस विल बी योर आंसर। जस्ट फॉर द लेंथ ऑफ इट एंड फॉर थिंकिंग की फॉर्मेट कैसे बनेगा, मैंने इसको थोड़ा सा रीडिंग तो वो ज्यादा दिया है, वरना इस क्वेश्चन के ना एक्चुअली तो कुछ था ही नहीं, ओके। चलिए ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसको रेटिंग 4 दिया था। चलो सुनो, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B, क्वेश्चन नंबर 3A मैं इसको रेटिंग 5 देता हूं। 5 रेटिंग मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ना यहां पे पावर कॉस्ट का एक एडजस्टमेंट है जो मेरे को मालूम है आईसीए शायद वो गलत करेगा, लेकिन अभी ठीक है, वो लोग शायद अपने गलत क्वेश्चन के लिए करेक्ट मार्क्स दे दें वो अलग बात है, लेकिन पावर कॉस्ट वी विल हैव टू ट्राई टू थिंक हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। हम लोगों ने तो ये वाला क्वेश्चन भी करके तो वो रखा हुआ है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ओनली, ओके। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3A विच हैज रेटिंग ऑफ 5। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन रेट से निकालना था, इसको 5 स्टार रेटिंग एज आई वाज सेइंग क्यों दिया, वन इज बिकॉज ऑफ द पावर कॉस्ट एंड सेकेंड ब्यूटिफुल पार्ट दैट वॉज एज आई टोल्ड कि आईसीए ने कई चीजें लाइक यू नो बहुत सारे क्वेश्चन को मिक्स करके इस बार क्वेश्चन बनाए। आप लोगों को सोचना था कि एब्जॉर्प्शन रेट कैसा होगा, कैसा मतलब देर आर 6 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट एब्जॉर्प्शन रेट, आउटपुट मेथड, मशीन आर, लेबर आर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, दीज आर द 6 मेथड्स। 6 के अंदर से कौन सा मेथड फॉलो करने का हर डिपार्टमेंट के लिए, तुम लोग को ये वाला चीज करना था। तो पढ़ते हैं, HP Limited is a manufacturing company having 2 production departments P&Q and 2 service departments R&S. Okay. The budgeted cost information for the month of October 2023 is given below. ठीक है. Production department, service department, indirect material breakup ही दिया हुआ है. Nothing to think. Indirect labor breakup ही दिया हुआ है. Nothing to think. Rent को divide करेंगे, depreciation को divide करेंगे, power को divide करेंगे, security expense for factory premises वो divide करेंगे.
उसके बाद इंश्योरेंस को डिवाइड करेंगे, उसके बाद सुपरवाइजर एक्सपेंस को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, दैट इज वन थिंग। ठीक है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया अपने को दिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन्स वो अपने को दिया हुआ है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स वो अपने को दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, लेबर आवर्स भी अपने को देके रखा हुआ है। चलो ठीक है, ऑब्वियसली दीज विल बी यूज एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग द अबव कॉस्ट। ठीक है, द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द टू सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड यूजिंग आर डिस्ट्रीब्यूट यूजिंग स्टेप लैडर मेथड इन द सेम ऑर्डर। स्टेप लैडर मेथड के यू स्टार्ट अवे विद दैट डिपार्टमेंट दैट सर्व्स मैक्सिमम ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स, करेक्ट, हम लोग वही काम करते हैं। उन लोगों ने ऑर्डर ही दे दिया, पहले आर का खर्चा डिवाइड करना फिर एस का खर्चा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है आर का खर्चा पहले डिवाइड करेंगे, मतलब आर का खर्चा किधर किधर जाएगा, पी क्यू एंड एस के अंदर। तो पहले आर का खर्चा पी क्यू और एस के अंदर डिवाइड होगा और फिर एस का खर्चा पी और क्यू के अंदर ही बस डिवाइड होगा क्योंकि स्टेप लैडर मेथड है बेटा। ठीक है, आगे डिपार्टमेंट आर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट एस जो है दैट इज मशीन आवर्स। ओके, रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू द वेरियस डिपार्टमेंट, क्लियरली शोइंग बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो दिखाएंगे अपन लोग। तो यहां पे बस एलोकेशन और अपोर्शनमेंट कर देना। आगे कैलकुलेट द टोटल बजटेड ओवरहेड्स फॉर बोथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट हैव बीन रीअपोर्शनड, तो यहां पे रीअपोर्शनमेंट दिखा देना। नाउ दिस इज व्हाट एवर आई थिंक वाज सुपर, कैलकुलेट मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वैसे भी एब्जॉर्प्शन रेट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का ही होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड करना कि तुमको एब्जॉर्प्शन रेट कैसा करने का है। ठीक है यार, मेरा बहुत मन करे टू टेल यू थर्ड आंसर डायरेक्टली, मैं कर देता हूं ना। देखो अभी डिपार्टमेंट पी अगर मशीन ओरिएंटेड है तो मशीन आर मेथड, लेबर ओरिएंटेड है तो लेबर आर मेथड, बाकी मेथड्स आर नॉट फेमस, आई हैव टोल्ड लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर आल्सो। अगर देखोगे ना डिपार्टमेंट पी और क्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं का एब्जॉर्प्शन इट्स होगा, डिपार्टमेंट पी के अंदर मशीन आर्स बहुत ज्यादा है बेटा, डिपार्टमेंट क्यू के अंदर कम है, तो शायद यहां पर काम मशीन आर्स के थ्रू होता होगा। और डिपार्टमेंट क्यू के अंदर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी थ्री टाइम्स है, शायद इसके लिए लेबर आवर्स भी थ्री टाइम्स है, तो यहां पे लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अगर कुछ और किया है यू विल गेट जीरो, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए यू शुड फॉलो मशीन आर मेथड, सेकंड डिपार्टमेंट के लिए यू शुड फॉलो लेबर आर मेथड। मैंने ये वाला चीज मेरे सोल्यूशन के अंदर यहां पे नोट के तौर पे दिखा के रखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ पी जो है वी फॉलो मशीन आवर्स, एंड फॉर डिपार्टमेंट क्यू इन दिस केस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी ज्यादा है, लेबर आवर्स भी ज्यादा है, इट मस्ट बी लेबर, हेंस वी फॉलो लेबर आर मेथड। ठीक है, अभी बाकी चीजें बहुत मुश्किल नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन मैं एक बार वो पढ़ देता हूं। देखो हर एक चीज किस रेशो के अंदर जाएगा, एक दो चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती हैं, यू माइट हैव योर ओन व्यू। फैक्ट्री रेंट तो मेरे ख्याल से एरिया के अंदर ही जाना चाहिए, एरिया तो है क्वेश्चन के अंदर यहां पर, ठीक है वो दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तो मेरे ख्याल से बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स, ठीक है तो उसी के रेशो के अंदर जाएगा। पावर कॉस्ट, पावर तब ज्यादा लगता है जब मशीन्स का हॉर्स पावर ज्यादा होता है, लेकिन पावर तब भी ज्यादा लगता है इन दिस केस जब भी मशीन आर ज्यादा होता है, मशीन ज्यादा देर के लिए चलेंगी तो ज्यादा पावर, पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। सो देयरफॉर इट इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ दीज फैक्टर्स, तो अपने को यहां पर कॉम्पोजिट रेशियो लेना चाहिए। कौन सा रेशियो बेटा, कॉम्पोजिट रेशियो। सिक्योरिटी एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री, नाउ दिस एज पर मी नो सिक्योरिटी एक्सपेंस फॉर द फैक्ट्री परमाइसेस, आई थिंक सो इट यूजली मीन्स लाइक दिस कि लाइक यू नो दैट दिस इज वॉट एवर इज द एंटायर थिंग। ओके एंड देर विल बी सिक्योरिटी ओवर हियर, आई थिंक सो। ओके सो इन दिस केस नो सिक्योरिटी, वेन एवर एनी एम्प्लॉई और एनी बडी विल कम ओवर हियर देन इन दैट केस लाइक यू नो देर विल बी सिक्योरिटी। As per me, it should be divided in the ratio of number of employees. As per me, I think this is going to be a better ratio as such. Okay, now one alternate view that can be there. I don't know whether ICA will accept it or not. Factory is actually only P and Q.
these are not factories, these are service departments. So somebody can be taking number of employees and only taking 10:30. They might not be taking 6:4. If I was your examiner, I'll give it correct. Okay. But I'm not. So I have divided this security expense in the ratio of number of employees. Let me just try to see whatever I have done. Factory rent, floor area, depreciation, book value, power, horsepower into machine hours. Although I think ICA will be taking horsepower only, but that's not correct. Further, security of factory, number of employees. Then further. Further, in this case, insurance. Insurance, I guess in the question note that was given to you, insurance is of machinery. So I've divided that in the ratio of book value only. Okay, then further, supervisor will be managing certain number of employees. So therefore, we have divided that in the ratio of number of employees. Okay, once we all do that, okay, then you can try to be doing all your total. These are the figures that I got. Then reapportionment has to be done. First R, then S. R had to be divided in the ratio of number of employees. Number of employees, please do not take off R itself. Do not take off R itself. So therefore 10:30:4. So this thing we take over here, divide that in this particular ratio. Then we total up this cost. Okay, that comes to this. This we divide among the other two departments. In what ratio? Some had told us. In the ratio of machine hours, beta. Machine hours. Now machine hours we will only require of these two departments. Okay, of the first two. So 4:1:0:1. Machine hours are over here in the question. 4:1. Okay. Once you all do that, you will start to arrive at BOH. But then for BLA, as I told right in the beginning, BLA we are going to be taking in hours. But for first department, machine hours. For second department, labor hours. I told you in the beginning. So therefore, these are the absorption rates per labor hour. Sorry, per machine hour and per labor hour. So machine hours 4,000 and labor hours in this case are 6,000. That is whatever this data tells to us over here. 4,000 machine hours, 6,000 labor hours. Okay. So 5-star question. This was tough. If you have got this correct, okay, so you are too good. Okay, further. Again, I will give this particular question, not 5. I'll give this question rating of 4. Okay, 4 rating. Now, this was all about service sector. Okay, just you had to calculate the profit from the 3 types of rooms. Royal Hotel offers 3 types of rooms to its customers. Deluxe, okay, executive and suite rooms. Other information is as follows. Deluxe, executive, suite. Tariff room, room tariff per day, 1500, this much and this much. This much we charge. This is our tariff. Okay, so you don't have to fix the tariff. Tariff is there. Number of rooms, okay. Average occupancy during the year. One thing I will read before only. Assume 360 days and double occupancy in each category of room. Means in every category, there will be 2 people. Please, this is the room tariff. This is not the tariff per person. This is the tariff for the entire room. Okay. So, I'll just rub out this and see. Number of rooms are there. Average occupancy is there. Multiply by 360 days in a year. This will give you in this case number of room days. This will give you number of room days for the entire year. In my solution, I have tried to calculate that thing first over here. Okay, number of room days. Number of rooms will be number of days into number of rooms into average occupancy. So therefore, this will give you number of room days, beta. Okay. Number of room days into the tariff that was there with you. Okay. So therefore, this will give you total revenue. This will give you total revenue that you will be earning from each type of room. Basically, your objective in this case was what, beta? Your objective was that we had to be calculating profit from each type of room. Okay. Now, this is the revenue. Talk of the expenses. Housekeeping expenses per day. 280, 320, 425. Okay. This is housekeeping expenses per day, obviously per room also. So therefore, to find out for the entire year, you take this and multiply by number of room days. That is whatever I have done also. See, number of room days I have copied pasted over here. Multiply by housekeeping expenses that I told you right now. So please multiply, that will give you housekeeping expenses. Okay. That thing is altogether done. Okay, then further. Further in the question, what was there? The hotel provides complimentary breakfast facility to its executive and suite room. Okay. While swimming pool facility, one sec.
ब्रेक द होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट विथ एग्जीक्यूटिव रूम एंड सूट रूम. बेटा एग्जीक्यूटिव रूम एंड सूट रूम. नाउ दिस थिंग आई एम रीडिंग माइट बी फॉर द थर्ड टाइम बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग टू स्ट्राइक यू. द होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इट्स एग्जीक्यूटिव रूम एंड सूट रूम मीन सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी. वाइल स्विमिंग पूल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली टू सूट रूम गेस्ट. डू रिमेंबर इट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गेस्ट. So whatever is the cost of providing breakfast and swimming pool, that will be borne by the hotel. Common sense, right? So give me the expenses of that. The restaurant and swimming pool is run by the contractor. Okay. The contractor recovers charges of. Recovers means recovers from the hotel, not from the people. From the customers, it is free beta. The contractor receives recovers charges of 150 per person. It is not per room, it is per person. And in one room, there were supposed to be two people. I told you that particular thing in advance. Okay. Recovers charges of 150 rupees per person for breakfast and 200 rupees per person for using the swimming pool from the Royal Hotel. Okay. So now see what I have done for that. Now this thing is whatever was like, you know, you should have been careful. Now see, I have covered it up till tariff. I have covered it up till housekeeping charges. Now what about the breakfast? Now breakfast is 150 rupees per day. No, 150 rupees per person per day. Breakfast will happen once only, you know. But then in one room, there are two people. So, therefore, it will become 300 rupees per room. So, what I have done, number of room days, 2160 and 1080. Beta, that I have copied, pasted from here only, number of room days. Okay. Now, obviously, for this, I have not taken anything. Okay, this figure is nil. It has, in the calculation, it is nil only. Here it is by mistake printed. So therefore, this figure is nil as such. Okay. Because to these guys, we do not give any breakfast. Okay. Breakfast is only given for the other two categories. And the breakfast rate is how much, beta? 300. Breakfast rate is how much? 300. Okay. Now, further. For the swimming pool, the cost is how much over here? It is 200 rupees per person. Okay. 200 rupees per person. So 200 rupees per person, there are two people. So therefore, 400. So therefore, swimming pool cost will become 400 rupees per room and it is only there for the last category. So therefore, over here nil, over here in this case nil, okay, over here 1080 into 400. So therefore, this will be the charge over there, okay. Now, this is whatever is the question till now. It should have struck you that this is expense for us. The contractor whom the hotel has employed will be charging hotel this much. Okay, further. And this is very important now per person. Besides the above mentioned charges, annual fixed costs are as follows. Salary to the staff, 57,60,000. Electricity expenses, 24 lakhs. Okay, these are the salaries and electricity. Salaries to staff are apportioned to deluxe, executive and suite room in the ratio of 25:35:40. So this expense you can divide in this ratio among the three rooms. So that is whatever I have directly done. So therefore this figure I have divided in the ratio of 25:35:40. Then further, electricity expense, divide that in what ratio, beta? And electricity expense are apportioned in the proportion to occupancy. Now don't be stupid. ऑक्यूपेंसी बोले तो ये वाला चीज नहीं बेटा. ऑक्यूपेंसी मतलब रूम डेज. ये तो एवरेज ऑक्यूपेंसी है, ये तो परसेंटेज के अंदर है. सो देयरफॉर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूम डेज, दैट इज व्हाटएवर आई हैव ट्राइड टू बी डूइंग ओवर हियर. नंबर ऑफ रूम डेज जो अपने पास है, दैट इज दिस इज टू दिस इज टू दिस. तो ये वाला जो चीज है उस रेशियो के ने डिवाइड किया. बस यू हैड योर टैरिफ, दैट इज योर रेवेन्यू. फ्रॉम देयर ट्राई टू सब्ट्रैक्ट ऑल दीज फाइव एक्सपेंसेस. दिस विल बी योर फाइनल आंसर एज सच. ठीक है. So you will be getting marks for this particular thing as such. Okay. That's it about this question. Okay. I think this last total of mine might be wrong. Okay. I will just correct this in the PDF that you all will have. You will get it correct. Okay. I think so. This total is wrong, I think. Okay. Rest these numbers should all be correct because initially I had not seen this line of breakfast over here. So accordingly I had written this. So I think so your this total might be slightly wrong, that I'll correct it. Okay, listen, that's it about this particular question. Okay, this question is altogether done. Okay, let's move ahead. This was question number 3A, this was question number 3B. Now question number 4A. Now video bahut lamba ho gaya. Let's see question number 4A. J
एच प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स एस एम एल टू डेट सिंपल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम हैज बीन यूज्ड टू एलोकेट ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट. दिस क्वेश्चन वाज ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इन एडवांस ओनली आई विल गिव इट रेटिंग ऑफ 3. ओके, नॉट अ टफ क्वेश्चन. टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. ओके, सो करंटली दोज गाइस फॉलो मशीन आवर मेथड. द मशीन आवर रेट फॉर एलोकेटिंग द प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 240 रुपीज पर मशीन आवर अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम. नाउ दिस रेट इज गिवन although in the suggested I have told you even if it was not given how to be computing not required but then I could compute so therefore I thought I'll show you. Selling prices are calculating by adding markup of 40% on the product cost. So once you arrive at the cost add 40%. Information relating to the products for the most recent year are as follows. Okay, what information? SML units produced and sold. Okay, direct material cost per unit, direct labor per unit, machine hours per unit. If you multiply this and this, no, you'll start to arrive at total machine hours. That is one calculation that I have done also. I wanted to be doing it because that data will be useful to me later on. Okay, so you all can see calculation of total machine hours, units produced into machine hours per unit will give you total machine hours. The total machine hours in all comes to 11,750. Okay, further in this case number of machine setups. Okay, the total 160 plus 240 and this will be 400. Further, number of purchase orders 260. I guess this total should be 350. I'm not very sure. Just a sec. 135 plus 125 plus 90, this should be 350. Further, number of inspections 100 plus 160 260 260 plus 140 will be 400. Okay, further, the management wishes to follow activity based costing method of attributing production overheads to the products and has identified major cost pools for production overheads and their associated cost drivers. So cost drivers are directly there only with you. Purchase department cost, it is 7 lakhs. Divide that in what ratio, beta? Number of purchase orders. Number of purchase orders are over here. Machine setup 9 lakhs. Divide that in what ratio? In the ratio of number of machine setups. Number of machine setups are over here. Further, quality control cost, divide that in the ratio of number of inspection. Number of inspections are over here. Now, this might be a mistake that many students might have done. Might not be our students, but others could have done this thing. Machining cost, divide that in the ratio of number of machine hours. Beta, these are machine hours per unit. Don't be stupid to divide that in this ratio. That is total cost. So, divide that in the ratio of total machine hours. Total machine hours will be this into this. That is why I calculated that particular thing before. Okay. Now, just one small thing over here. I'm totaling up all these overheads. 7 lakh plus 9 lakh, 16 lakhs. 6 lakh 56,000 plus 5 lakh 64,000 plus 16 lakhs. So, this is 28 lakh 20,000. This will be useful for some purpose. Okay. Further, calculate the total cost per unit and the selling price for each of the 3 products using traditional costing. Used by this company, activity based costing. Let's start to be doing that particular part. Now see, traditional costing was very simple. I've made that bit bigger because I wanted you all to be knowing how to compute absorption rate, although that was there in the question. Direct materials question ke andar hai, direct labor question ke andar hai, prime cost to directly wo mil jayega, dono ko add up hi karne ka hai. Factory overheads, वो वाला कैलकुलेशन जो है वो नीचे आएगा. तो एड अप करके क्या मिल जाएगा बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 40%. वो मार्कअप अपने को वो दिया हुआ है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस. तो सिर्फ अपने को फैक्ट्री ओवरहेड्स ही चाहिए. वैसे भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओनली डिफर्स हाउ योर इन दिस केस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डन. नो, देयर इज नो अदर रीजन एज सच, राइट? सो नाउ एब्जॉर्प्शन रेट अपने को कैसे मिलता है, इट इज BOH डिवाइडेड बाय BLA. सो BOH मैंने अभी तुम लोगों को बताया. BOH मतलब टोटल ऑफ ऑल दी ओवरहेड्स बेटा, 28,20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंपनी करंटली फॉलोज मशीन आर मेथड. यहीं पर वो दिया हुआ था, करंटली कंपनी फॉलोज मशीन आर मेथड, ठीक है. तो अपने को डिवाइड बाय टोटल मशीन आर्स करना था. मैंने टोटल मशीन आर्स इसलिए यहां पर भी कंप्यूट किया हुआ है 11,750. तो अगर हम लोग टोटल ओवरहेड्स को टोटल मशीन आर से डिवाइड करेंगे ना, तो वो 240 पर मशीन आर आता है, जो क्वेश्चन के ना देके रखा हुआ है. तो फ्रेंकली ये लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आई थॉट दैट आई विल फाइंड इट आउट. सो एटलीस्ट लाइक यू नो किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाएगा. आगे, नाउ फॉर एवरी मशीन आर चार्ज 240 रुपीज.
यहाँ पे हम लोग कॉस्ट एक एक यूनिट का निकाल रहे हैं बेटा, ये सारा का सारा डेटा एक एक यूनिट का है, तो अपने को इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी पर यूनिट चाहिए। फॉर एवरी मशीन आर यू चार्ज हाउ मच, 240। तो देख लो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने कितने मशीन आर्स लग जाते हैं, कितने कितने मशीन आर्स लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो वाला डेटा तो है 0.3, 0.4, 0.5। ये डेटा से मल्टीप्लाई कर लेना बाय 240 रुपीज पर आर, तो तुम लोगों को ये तीन आंसर मिल जाएंगे। ये तीन आंसर मिले नहीं, पुट दैट एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा उसका 40% यहां पर ऐड कर देना, तो सेलिंग प्राइस यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वर्क। सेकंड, जब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करोगे बेटा, सिवाय फैक्ट्री ओवरहेड्स के सब कुछ तो सेम ही रहता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज द ओनली थिंग दैट चेंजेस, राइट? और फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए फॉलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो यहां पर तुम्हारे पास चार कॉस्ट दिया हुआ था, उसका कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। दीज आर फोर एक्टिविटीज, उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है। कॉस्ट ड्राइवर तो बेटा क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था, बस ये चीज जरा याद रखना। Obviously, मशीनिंग कॉस्ट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ टोटल मशीन आवर्स। वही गड़बड़ सब लोगों ने किया रहेगा, अगर किया रहेगा तो। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन के अंदर है, 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 ठीक है। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर 7 लाख डिवाइडेड बाय 350, सो this divided by total of this will give you 2000 rupees per order, kyunki cost driver was number of orders. This will give you 2250 per setup, kyunki the cost driver was number of setups. This is 1640 per inspection, kyunki cost driver was number of inspection. This will be 48 per machine hour, kyunki cost driver was number of machine hours. ek bar ye wala kaam kar lega, total overheads mil jayega. yahan pe BLA to kuch hota nahi, divide by number of units, to aap log ko yahan par kya mil jayega beta, overheads per unit. ye overheads per unit yahan par dal dena, ठीक है। फिर से फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, एड अप योर प्रॉफिट, ट्राई टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस, तुम्हारा उससे काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट सेकंड के अंदर क्या पूछा था, कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस एज पर ए एंड बी। तो दोनों का सेलिंग प्राइस लेना, ए और बी का, और उसका डिफरेंस निकाल देना, एंड शो विच प्रोडक्ट इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस। देखो अभी ना अंडर प्राइस या ओवर प्राइस के लिए तुम लोग को ये वाला चीज वो सोचना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया बेटा, दीज वर द सेलिंग प्राइसेस as per absorption costing, these were the selling prices as per activity based costing. I've written them over here, just a second. 378, 448, 602, तो वो चीज मैंने वो यहां पे लिखे। फिर उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ये वाले जो थे वो इधर लिख दिए, ठीक है। याद रखना ये वाले जो प्राइसेस है ना बेटा, दीज आर रॉन्ग प्राइसेस। तो पहले दोनों का डिफरेंस तो मार ही दिया, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया तो एस जो था ना उसका प्राइस इतना होना चाहिए था, वो करेक्ट सिस्टम है, लेकिन उसका प्राइसिंग तुम लोगों ने कम रखा हुआ था तो वो अंडर प्राइस था। वेर एज अदर टू इन दिस केस वर ओवर प्राइस, ठीक है। तो अंडर प्राइस और ओवर प्राइस के लिए ऐसा थिंकिंग यू गॉट टू बी हैविंग, ठीक है। चलिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल टूगेदर डन। ओके, फर्दर पार्ट बी, पार्ट बी इसको 5 रेटिंग देता हूं, 5 रेटिंग देता हूं, ठीक है। 5 रेटिंग आई विल से फॉर वन रीजन, अगर शटडाउन पॉइंट 5 का रेटिंग, अगर शटडाउन पॉइंट का कंसेप्ट आता है, दिस क्वेश्चन इज सिंपल, अपने बुक के अंदर था क्वेश्चन। अगर शटडाउन पॉइंट का कंसेप्ट नहीं आता, इट इज डिफिकल्ट। ओके, R Limited produces 60,000 units of the product AN at its Noida plant. The selling price of the product is 15. ठीक है, variable cost is 80% of selling price. तो 15 का 80% 12 रुपीज हो जाएगा. Fixed cost during this period is 4,20,000. तो सब देके रखा हुआ है. अभी इतने डेटा से ना जरा सोचो, 15 रुपीज माइनस 12 कॉन्ट्रीब्यूशन दे देगा 3 का, इंटू 60,000 1,80,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सो 1,80,000 माइनस 4,20,000, तो 2,40,000 रुपीस का क्या आ जाएगा बेटा, लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी इज कंटिन्यूअसली सफरिंग लॉसेस, इट इज सफरिंग अ लॉस नाउ ऑफ 2,40,000 एंड मैनेजमेंट प्लान्स टू शट डाउन द प्लांट। मेरे को जरा बोलो, अगर प्लांट ही शट डाउन कर दिया, शायद ये टेम्पररी शटडाउन होएगा, मतलब हमेशा के लिए नहीं करेंगे। सर आपको कैसे मालूम, आगे लिखा है, अभी तक नहीं पता था। फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 2.5 लाख। देख, अगर फिक्स्ड कॉस्ट, अगर तेरा प्लांट परमानेंटली शटडाउन हो जाता ना, तो तेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी तो जीरो हो जाता, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट तू क्यों पे करेगा जब तू तेरा कंपनी बंद कर रहा है, तो ठीक है, तो इट मस्ट बी टेम्पररी शटडाउन। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ना, अपने को फैक्ट्री जो है ना वो बंद करने का है, से फॉर सम टाइम, टिल द टाइम रिसेशन इज ओवर, ठीक है। तो अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना 2.5 लाख रुपए से कम हो जाएगा, दैट इज वन थिंग। सेकंड,
एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टू बी कितना रुपीज यार 25,000 एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 दीज आर एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन ठीक है प्लांट शट करेगा शायद एक बार लाइक यू नो उनको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह वो करना पड़ेगा कोई टेक्निकल लोगों को तो उसके लिए 25,000 रुपए का खर्चा यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर द नोएडा प्लांट शुड बी शट डाउन और नॉट देखो मैंने इसका आंसर जो है बहुत सिंपल तरीके से दिया अगर कंटिन्यू करेगा 15-12 दिस 2,40,000 आई टोल्ड लेकिन अगर शट डाउन करेगा तो बेटा क्वांटिटी ही कितना हो जाएगा जीरो तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाएगा जीरो ठीक है अब जरा सोच लेकिन तेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा पहले कितना था 4,20,000 अभी कितने से कम हो जाएगा 2.5 लाख लेकिन 25,000 का और कॉस्ट लग जाएगा बिकॉज ऑफ शटिंग डाउन ठीक है सो देयरफॉर लॉस कितने का आएगा 1,95,000 तो मेरे को इधर ना कंक्लूजन लिखना चाहिए था ऑब्वियसली यहां पर भी लॉस है सो देयरफॉर इट इज एडवाइज दैट कंपनी शुड शट डाउन द प्लांट ठीक है शुड शट डाउन द प्लांट अच्छा एक सेकेंड मेरे को नहीं मालूम आईसी को ना इधर एक्स्ट्रा कमेंट्स चाहिए कि नहीं देखो अगर तुम लोग शटडाउन कर रहे हो ना तो तुम्हारा लॉस जो है 45,000 रुपीज कम हो रहा है एज कंपेयर टू कंटिन्यू तो वो बोलते सर शटडाउन करो पैसा अपना लॉस कम होएगा परफेक्ट बात है बट देन वी ऑलवेज से कि ना दुनिया को कभी ये चीज नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस जो है अच्छा नहीं कर रहा बिजनेस के अंदर बने रहोगे इट इज ऑलवेज गुड तो अगर मतलब अगर मैं यही क्वेश्चन फाइनल से के अंदर आता ना तो मैं ऐसे बोलता अगर ये 45,000 रुपीज का एक्स्ट्रा लॉस बेयर करने की हिम्मत रखते हो ना इट इज बेटर नॉट टू शट डाउन कंटिन्यू विद द हायर लॉसेस क्योंकि शट डाउन कर दिया फिर तो जो बचे कुचे कस्टमर्स है ना वो भी कॉम्पिटिटर्स के पास वो चले जाएंगे एक साल के बाद तू सोचेगा फिर से फैक्ट्री का ताला खोलूं फिर से फैक्ट्री स्टार्ट करूं कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कर्स लोग छोड़ के चले जाएंगे एक साल के बाद जब तेको स्टार्ट करने का रहेगा तो वर्कर किधर से लाएगा इट बिकम वेरी डिफिकल्ट ओके तो दीज आर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स पता नहीं आईसीए ये वाला चीज वो पूछता है कि नहीं लेकिन क्या होता है जब भी वो लोग एडवाइस वो मांगते हैं ना आई ऑलवेज ट्राई टू बी राइटिंग डाउन दिस थिंग ओके फर्दर ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए इन द पीडीएफ दैट आई विल गिव यू आई विल राइट डाउन द कंक्लूजन दैट आई हैव नॉट रिटन ओके फर्दर फाइंड द शट डाउन पॉइंट इन यूनिट्स हम लोगों ने शट डाउन पॉइंट तो करके भी रखा हुआ है मैंने पूरा का पूरा चीज वो डिराइव किया था शटडाउन पॉइंट कैसे मिलता है एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर डिवाइड बाय पीवी रेशियो भी कर सकते हो फिर डायरेक्टली आंसर रुपीस के अंदर मिल जाएगा मैं यूनिट्स के अंदर पहले निकाल रहा हूं कंटिन्यू किया तो इतना शटडाउन किया तो इतना सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आंसर 75,000 आ जाएगा 75,000 इंटू 15 विल गिव यू 11,25,000 ओके दैट्स इट बस तो दिस इज योर शट डाउन पॉइंट इन रूपीज दिस इज योर शट डाउन पॉइंट इन यूनिट्स अगर इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो इट इज बेटर टू कंटिन्यू लेकिन कंपनी तो 60,000 का एक्सपेक्ट कर रहा था ना वैसे भी तो इसलिए इधर ज्यादा लॉस आया था ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4C करते हैं ये 5 मार्क्स का था मैंने 5 रेटिंग वो दिया है क्योंकि शट डाउन पॉइंट इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी डज ओके हम लोगों ने किया हुआ था वो अलग बात है अगर किया हुआ था तो शायद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था लेकिन एज अ जनरल थिंग मैंने 5-स्टार रेटिंग दिया चलो ये जो पार्ट सी है ना इसको 1 रेटिंग देगा दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन शायद अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रोसेस क्वेश्चन Product passes through 2 processes A and B. The output of process A is input of process B. The following information is available. Process A, input material. So direct material, direct labor, उसके बाद overheads, output to B, उसके बाद normal loss of weight input. ठीक है तो इनपुट के अंदर से 78,000 केजीज बेटा वॉज अ इनपुट ठीक है उसके अंदर से इतने का तेरा नॉर्मल लॉस है देर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज जीरो No stock of raw material or WIP was left at the end. तो यहाँ पे कोई stock वगैरह नहीं है You are required to prepare process account for each process. Obviously, 2 process आएंगे A और B. ये debit side, ये debit side, ये debit side. ठीक है तो एक बार solution दिखा देता हूँ वो तीनों चीजें debit side पे लिखा इधर quantity लिखा इधर normal loss है scrap value 0 है ये जो भी मैंने टिक किया है इसके बाद हम लोग हमेशा क्या निकाल लेते हैं नॉर्मल कॉस्ट कैसे मिलता है डीएल प्लस डीएल प्लस जीई प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ये सबको ऐड करो डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे मिलेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस
सॉरी दिस माइनस दिस, ठीक है, तो मैंने वही वाला काम किया, तो नॉर्मल कॉस्ट कितने का आ गया 12, नॉर्मल कॉस्ट जो है वो कितने का आ गया बेटा 12, प्रोसेस बी को जो भी ट्रांसफर करेगा 12 रुपीज के ऊपर करेगा, तो प्रोसेस बी को जरा देख ले कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए थे, 68,640, ठीक है, और जो भी तेरा बैलेंसिंग फिगर है वो तेरा एबनॉर्मल लॉस होगा, एंड एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट द कॉस्ट ओनली, दैट इज रुपीज 12, ठीक है। अभी ये वाला जो इन्फॉर्मेशन था ये यहां से इधर आ जाएगा पहले प्रोसेस बी के अंदर, और प्रोसेस बी के जरा तेरे खर्चे देख, इनडायरेक्ट मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स वो सारे के सारे वो लिख देना फिर से, उसके बाद नॉर्मल लॉस जो है क्रेडिट साइड पे वो लिख ही देना, और उसके बाद ये 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 और ये लिखने के बाद और ये लिखने के बाद अपना नॉर्मल कॉस्ट निकाल लेना इन द सेम वे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस निल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट इज दिस माइनस दिस, एक बार ये वाला काम करेगा तो आ जाएगा 19, बस ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी टू फिनिश गुड्स एट 19, एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एबनॉर्मल गेन का, तो 600 यूनिट्स 11,400, ठीक है। चलिए ये वाला भी जो काम है ये हो जाएगा इससे, ठीक। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5 एज सच, इससे इजी क्वेश्चन इनफैक्ट पूरे एग्जामिनेशन के अंदर नहीं था, ठीक है। फर्दर नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, मैं इसको 2 रेटिंग देता हूं, ये भी इजी क्वेश्चन है, 2 रेटिंग दिया है जस्ट ताकि तुम लोग एक गलती कर सकते थे फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स, बस मैक्सिमम और कुछ गलती नहीं हो सकती। ये वाला क्वेश्चन एक वेरिएबल ओवरहेड्स का है और एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का है, याद करना वेरिएबल ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट बट फिक्स्ड ओवरहेड्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन पीरियड, ये दोनों चीजें मालूम है तो क्वेश्चन शुड गो लाइक अ केक। PQR alloys uses a standard costing system. Budgeted information for a year. Budgeted output 84,000. तो सोचा था इतना यूनिट बनाएगा. Variable overheads per unit है बेटा, पर आर नहीं है, पर यूनिट दिया हुआ है 16 रुपया। स्टैंडर्ड टाइम फॉर वन यूनिट ऑफ द आउटपुट, तो एक यूनिट को 0.8 मशीन आर्स लगना चाहिए था। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा 6,72,000 होना चाहिए था। एक्चुअल के अंदर क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट इतना आया। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दे के रखा हुआ है, ये एक लौता वेरिएंस है जो दे के रखा हुआ है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 7,05,000, एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 14,37,000, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस इंडिकेटिंग एडवर्स और फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। नाउ आई हैव डन फ्यू थिंग्स एक्स्ट्रा ऑल्सो, बट वी विल ट्राई टू बी सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ विद आंसर। नाउ सी, फर्स्ट थिंग इन दिस केस दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज अ वेरिएबल ओवरहेड्स वाला पार्ट। नाउ सी, वेरिएबल ओवरहेड्स, दिस थिंग आई हैव मेड फॉर टाइम पास, इट इज नॉट मच रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली वेरिएंस इज अ डिफरेंस बिटवीन योर रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। नाउ सी, गिवन स्टैंडर्ड 84,000 यूनिट्स, इफ यू विल सी द क्वेश्चन, we had thought how many units will be getting produced, 84,000, okay, but in reality how many units got produced, 87,600. So see what I've done in the format, given standard is for 84,000 but in reality this much is produced, so revised standard is prepared for 87,600. okay, further in this case what more data, 84,000 into 16 per unit, if you'll take your calci 84,000 into 16 per unit, it'll give you the variable overheads for 84,000. That is what I've tried to write down this particular figure. Okay, then every unit should be taking how many hours beta, 0.8, so 84,000 into 0.8, that will give you 67,200. This is how this 67,200 comes. Okay, this is your balancing figure, that is standard variable overheads rate per hour. Through this data, we try to prepare a revised standard, obviously for 87,500. So 84,000, 67,200, 87,600, how much? You get this, 20 rupees is copied from here, this answer you will get. Actual hours you all don't have, so actual rate also you all don't have. Actual amount is there in the question, 14,37,000. Now see, one overheads is there, variable overhead efficiency variance. How do you compute that? Kitna hours lagna chahiye tha bhai? Apart from that, in this case, kitna hours lag gaya? Theek hai? So this minus this into this. So 67,200 adverse, ye wala variance ho question ke andar hai. Kitna hours lagna chahiye tha? 70,080. Kitna hours lag gaya? That is going to be this asterisk. Into standard variable overhead, that is 20. तो ये वाला आंसर आ गया is equal to this minus, ये 20 यहां पर लिखे गया, okay? 3,360 adverse आ गया, is equal to 70,080 minus actual hours for actual output. Now variance adverse है ना, तो
आर ज्यादा लगा रहेगा, तो इसके अंदर ये वाला नंबर ऐड किया तो ये वाला फिगर आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर ये वाला जो एस्ट्रिक है ना, दिस इज 73,440। आपको वेरिएबल ओवरहेड्स का एक और वेरिएंस भी चाहिए, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बेटा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है, नाउ सी ये वाला जो आर्स है ना तुम्हारे पास यहां पर आ गया, ये 73,440 है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है, स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए था, एक्चुअल रेट जो था बेटा वो कितने का था, ठीक है। तो दिस फिगर विल बी दिस अपॉन दिस इनटू एक्चुअल आर्स, मैंने वही वाला चीज यहां पर लिखा है, और उसके बाद आप लोग जो वेरिएंस है वो कंप्यूट कर लेना, ठीक है। एक्चुअल रेट कम आता है तो वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट। अभी उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला, देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स के ना यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंसेस पूछे हुए हैं, सो इसलिए ना मैंने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट बनाया बेटा, कंप्लीट फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर भी पूछा है, एफिशिएंसी भी पूछा है, कैपेसिटी भी पूछा है, मैंने दो और एक्स्ट्रा काम भी किया, दैट आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन सुनो, सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट अपॉन पीरियड, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एक साल का है, तो सोचा था एक साल के अंदर 84,000 यूनिट्स बनाएगा, बजट फॉर वन ईयर 84,000, सोचा था इतना फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा, सो देयरफॉर 6,72,000 हर यूनिट के लिए, कितना आर्स लगना चाहिए था बेटा, 0.8, सो देयरफॉर इन दिस केस दिस इनटू 0.8 विल बी गिविंग यू दिस। तो एक साल के अंदर सोचा था कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। एक्चुअल के अंदर क्या हो गया, एक्चुअल के अंदर इतने आर्स वर्कर लोगों ने काम किया, ये वाला आंसर यहां से आया बेटा 73,440, ठीक है। एक्चुअल के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो खर्चा है वो ये वाला फिगर हो गया 7,05,000, और एक्चुअल के अंदर ये वाला आउटपुट बन गया 87,600, ठीक है। तो ये वाला डेटा तो अपने पास आ गया, ठीक है, एक सेकेंड ना रब करने का है, ठीक है। सुन, अभी उसके बाद दो एब्जॉर्प्शन रेट भी निकाल लेते हैं, दो एब्जॉर्प्शन रेट जो हैं यहाँ पर कैसे वो निकलेंगे, वन इज एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, दिस फिगर अपॉन दिस फिगर दैट विल गिव यू 8 पर यूनिट। उसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट पर आर, या फिर पर मशीन आर भी बोलो, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर, सो देयरफॉर ये ₹10 पर आर आ गया, ठीक है। एज आई टोल्ड, मैंने दो वेरिएंसेस एक्स्ट्रा कंप्यूट किया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट आई हैव डन इट। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, इतना यूनिट्स बनाया इनटू 8 पर यूनिट, उतना लगना चाहिए था लेकिन इतना लग गया, वेरिएंस इज एडवर्स, ठीक है। सेकंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेटा कैसे कंप्यूट हो जाता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, इतना एक्सपेंडिचर इतना हो गया, 33,000 एडवर्स। उसके बाद थर्ड इज वॉल्यूम वेरिएंस, इतना यूनिट्स बनाना चाहिए था इतना यूनिट्स बनाया इनटू 8 रुपीस पर यूनिट, ज्यादा यूनिट्स बनाया ना तो वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है, 28,800 फेवरेबल। फिर उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वेरिएंस, कितने आवर्स काम करना चाहिए था माइनस कितने आवर्स काम किया रेट ऑफ ₹10, ज्यादा आर्स काम किया ना, अगर ज्यादा आर्स काम किया तो ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल फॉल, तो वेरिएंस विल बी फेवरेबल। देख लो, मैंने वही काम किया 67,200 माइनस दिस इनटू 10, सो आंसर विल बी फेवरेबल, ठीक है। लास्टली फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आउटपुट को कितना आर्स लगना चाहिए था, तो 87,600 इनटू हर यूनिट के लिए 0.8 आवर्स वो लगना चाहिए था, तो कितना आवर्स वो लगना चाहिए था बेटा, 70,080, कितना आवर्स लग गया वो तुम्हारे पास फॉर्मेट के अंदर है इधर, ओके, इनटू इन दिस केस एब्जॉर्प्शन रेट पर आर ओवर हियर, ओके, दैट इज 10 रुपीज, सो देयरफॉर वर्कर लोगों ने ज्यादा टाइम लिया, सो देयरफॉर वेरिएंस विल बी एडवर्स, ठीक है। ये नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, स्पेशली इफ यू नो ऑल द थिंग्स, देन इन दैट केस इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। चलिए, सो दिस थिंग इज ऑल टूगेदर डन, अभी आगे ये वाला क्वेश्चन। नाउ ये वाला क्वेश्चन मेरे को ऑनेस्टली नहीं मालूम कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया रहेगा, जिन लोगों ने अटेम्प्ट भी किया रहेगा उनका करेक्ट था या नहीं था, क्योंकि व्हेन इवन आई रेड इट मेरे को 2 मिनट लगे जस्ट टू बी थिंकिंग ऑफ वन एडजस्टमेंट, वो करेक्ट है तो तुम्हारा करेक्ट हो गया रहेगा, शायद ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं किया रहेगा आप लोगों ने, लेकिन किया तो रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ VD100 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 23, गुड यूनिट्स प्रोड्यूस 12,600, यूनिट सोल्ड 11,800, डायरेक्ट वेजेस इतना, एडमिन इतना। नाउ आई हैव अज्यूम दिस क्वेश्चन दीज एडमिन टू बी जनरल एडमिन, ठीक है, यू कैन अज्यूम इट टू बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑल्सो, एक्चुअली मैंने वो दोनों बार सॉल्व कर दिया, बट यू शुड अज्यूम इट टू बी जनरल इफ नथिंग इज गिवन। सेलिंग प्राइस इज 416, ओके, ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ मटीरियल जेड, कॉस्ट ऑफ मटीरियल जेड इज 72 पर kg, 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड एंड फेचेस 45 पर यूनिट। चलिए ठीक है,
अपना एक कॉशीट का क्वेश्चन था ना, वो इसी पेपर के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटीज भी हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेस, एस एंड डी आर 54 पर यूनिट सोल्ड, देर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और डब्ल्यू आई पी। नाउ सी, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, देख हम लोगों ने ना 12,600 गुड यूनिट्स बनाए, लेकिन बोलो क्या बोलता है, 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड। तो हम लोगों ने ज्यादा बनाए रहेंगे, 10% काट के इतना ही बच गया। तो अगर इसको 90% से डिवाइड करता हूं ना, 12,600 डिवाइड बाय 90%, हम लोगों ने 14,000 यूनिट्स बनाए रहेंगे, लेकिन 10% बुरा था, तो अल्टीमेटली जो गुड यूनिट्स बने 12,600 बने। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ठीक है, और जो यहाँ पे 1400 यूनिट है ना, वो हम लोगों ने फेंक दिए। ठीक है, फेंक दिए, और अपने को स्क्रैप कितने रुपीज का मिल गया, 45। एक और चीज, इतना गुड यूनिट्स बनाया लेकिन इतना ही बेचा, सो यहां पर 800 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो देखो याद रखना, तुम लोग प्रोड्यूस करोगे कितना, इतना, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद 10% विल बी फॉल्टी। तो देखो एक लाइन बोलता हूं, 14,000 यूनिट्स का कॉस्ट अल्टीमेटली विल बी बोर्न बाय 12,600 यूनिट्स ओनली, क्योंकि देर वॉज लॉस ओवर हियर। ठीक है, अगर ये चीज स्ट्राइक हो जाता तो तुम्हारा शायद आंसर जो होता वो करेक्ट हो जाता। देखो मैंने आंसर के अंदर क्या किया, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स ग्रॉस 14,000, ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स नेट 12,600, इसके अंदर से 10% सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा ना, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 11,800, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, एक यूनिट बनाने के लिए सम बोलता है कि 2 किलो लगेगा, परचेज द मटेरियल एट 72, मैंने वही वाला काम किया, 2 kg × 72 × दिस इज इंपॉर्टेंट 14,000। ठीक है, डायरेक्ट लेबर बेटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 80% ऑफ दिस, ये वाला भी चीज हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट एक बार मिल जाएगा, उसके बाद लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ गुड्स स्क्रैप्ड। ओके, तो अपन लोगों ने ये वाला चीज किया हुआ है, मेरे ख्याल से इसी अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर था, तो 1400 यूनिट स्क्रैप किया एट 45, सो देयरफॉर दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कितना यूनिट्स बेटा, 12,600, सो देयरफॉर दिस फिगर आई डिवाइड बाय 12,600, तो ये 281 आ जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली विल बी गेटिंग वैल्यूड एट 281 ओनली इनटू 800 यूनिट्स, ये वाला फिगर आ जाएगा, दिस इज COGS फॉर 11,800 यूनिट्स। उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन अज्यूम टू बी जनरल, तो ये वाले जो एडमिन थे बेटा क्वेश्चन के अंदर ही थे मेरे ख्याल से, यहां पर 4,72,000, सो 4,72,000 वी हैव पुट ओवर हियर, एस एंड डी पर यूनिट 54 था इनटू क्वांटिटी सोल्ड, एक सेकंड ना, मैंने क्वांटिटी सोल्ड ही लिया ना, हाँ 637,200 बराबर, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। उसके बाद सम के ना सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस 416 है, 416 इंटू 11,800 तो ये वाला चीज 4,908,800, दिस विल बी योर प्रॉफिट फिगर। ठीक है, बस एक चीज जो इंपॉर्टेंट था इन दैट इज, ये जो मटेरियल कॉस्ट है ना, दैट हैज टू बी टेकन फॉर 14,000 यूनिट्स, नॉट 12,600। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग इतना गुड यूनिट्स बनाओगे, सॉरी इतना यूनिट्स बनाओगे, उसके अंदर से 10% विल बी फॉल्टी, खर्चा तो 100 यूनिट्स के लिए होगा लेकिन बनेंगे अल्टीमेटली तो 90 यूनिट्स। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन ना एक बार और सॉल्व किया है बाय पुटिंग एडमिन ओवर हियर। ओके, आई एम अज्यूमिंग देम टू बी एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेम चीज अकॉर्डिंगली योर आंसर चेंजेस। मेरे ख्याल से आउट ऑफ द टू फर्स्ट वन शुड बी करेक्ट, लेकिन आईसीए का कुछ भरोसा नहीं है, बोलो कुछ भी यहां पर वो कर ही सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से 5 रेटिंग दूंगा बिकॉज ऑफ ये वाला एडजस्टमेंट। ओके, कि यहाँ पे आपको कॉस्ट जो है 14,000 यूनिट बनाने का निकालना पड़ेगा, दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय 12,600 यूनिट्स का कॉस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट द जर्नल एंट्रीज, ये सबसे चिंदी क्वेश्चन, इसको 1 स्टार भी मेरे को देने का मन नहीं करता है, दिस इज रेटिंग ऑफ 1। Construct the journal entries in the following situations, assuming cost and financial accounts are integrated. बस वो याद रखना, integrated. Purchase of raw material, SLC account, debit to creditors. Direct material issued to production. Okay, WIP to SLC account. Wages charged to production. WIP, goods को ही charge होएगा ना, to wage control. Manufacturing overheads charged to production. Manufacturing overheads मतलब factory overheads charged, मतलब absorbed. So therefore, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट।
ओके एक सेकेंड ना, मैं फिर से बोलता, शायद मैंने लास्ट वाला तो वो गलत बोला. डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन विल बी नथिंग बट इन दिस केस WIP टू SLC, मैंने वही बोला था शायद. वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन विल बी WIP टू वेज कंट्रोल. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. मेरे ख्याल से मैंने यही एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर वो लिखी होंगी. SLC टू क्रेडिटर्स, WIP टू SLC, WIP टू वेज कंट्रोल, WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, फिर उसके बाद अभी कई जो थियरी चीजें ना बेटा, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिस्कसिंग, आई हैव प्रिंटेड द आंसर्स, यू ऑल कैन रीड इफ यू ऑल वांट. ओके, सो दिस इज क्वाइट सिंपल वन, वट एवर ऑल दीज थिंग्स, ये अपने वो थियरी के अंदर तो किधर ना किधर तो ये सब कुछ था, सो शुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो आई हैव रिटन द कंप्लीट सोल्यूशन, यू ऑल कैन गो थ्रू दैट. ओके, न्यू सी एंटर लाइव बैच. ओके, न्यू कोर्स वाला. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन दिस केस. यू कैन ईदर स्कैन दिस थिंग, यू विल डायरेक्टली गो टू द कोर्स, ऑल द डिटेल्स आर ओवर देयर. ओके, और यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, इफ यू हैव द PDF यू ऑल कैन क्लिक ओवर देयर. ओके, दिस विल बी वन कोर्स वेयर बाय एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इज गोइंग टू बी डन, लाइक ऑलवेज फुल कंटेंट वॉट एवर इज देयर. There will be some announcement regarding crash course also for November, for May 2024 that I will be doing. Okay, so whenever that thing will be done, again that will be priced very economically, so therefore it is not a problem for anybody. Now, my only attempt that I do is that I have told in class also n number of times that whenever we are trying to learn any subject, don't try to be thinking I have to be getting excellent marks, that you will automatically get. Your concept should always be super great. Your concept should be like, you know, whereby let examiner ask you anything, you should be knowing that. Don't try to have shortcuts. How much time we waste in thinking from where to study? If that much time you will spend and you will do the entire module or your classes ka book, you will get easily 90 to 95. Believe me that. So ensure that you all have that habit. Don't try to be thinking, sir, ki revision chahiye, I want this up and so on. All those things are of no use. Those people who pass know, they spend very less time on all these irrelevant things. In costing, we call all these activities as non-value added activities. Those things by watching the videos up and so on, you will never ever pass, beta. You will pass by doing the things yourself. Have the habit. That's why we try to have entirely a homework section. I always like, you know, there is a question. We have a similar question in homework. Okay. Complete solution also I try to be providing, but it is for you all to be doing. Don't see, start to be doing. Examiner is not going to be coming to your seat and you will have to dictate him the answer. Right. No, it is far better. So there is nothing to get tensed if you work. If you don't work, you have got everything to be getting tensed on. Okay. That's it about me. Spread this suggested to all your friends who all have given November 2023 exam. And you're going to be getting lot of MCQs from now on my channel, whereby like, you know, everything that is possible plus all the MCQs that I have created, all those also will be coming over here. Okay. So till the time the next attempt happens, okay, whereby I can bring another suggested. Okay. So till that time, bye. And for all of the people who will be there on the channel, okay, MCQs I'm going to be doing slightly in a unique way. So ensure that you are connected. Okay, and join our Telegram channel for good updates only, not irrelevant things, good updates. So if I do not say anything, means there is nothing to say, then I will not be posting anything. I don't want to be wasting your time and my time. Okay. Any questions are to be asked, put that in the comments. Okay, how did you like this video? You can try to be putting that also. And apart from that, any other question that you will have in your mind regarding any course also, if I will be aware, I'll be happy to answer. Okay, so thank you guys. Bye. All the best.